अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अहमद इंटीरियर डिज़ाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में आपके साथ वन केनाल 50x90 में बना फुली फर्निश्ड मॉडर्न डिज़ाइन में बना हुआ घर शेयर करूंगा, जिसकी लोकेशन DHA Phase 6 लाहौर है। आगे जाके इसी वीडियो में आपके साथ इस घर की डिमांड, प्लान और इंटीरियर भी शेयर करूंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, मॉडर्न और लेटेस्ट डिज़ाइन में इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है। चलते हैं इस घर की मेन एंट्रेंस पे, एंटर होते हैं और डिटेल्स इस घर का विजिट करते हैं। घर के दोनों तरफ 5 फीट की स्पेस, बैक पे भी स्पेस है और फ्रंट पे भी स्पेस दी गई है, जिससे वेंटिलेटेड घर ये रहता है। यहाँ पे एंटर होते ही आपको जो है वो डबल हाइट स्टेयर लॉबी एरिया मिलता है, जिसमें आप शैंडलियर यहाँ पे दे सकते हैं, सामने स्टेयर डिज़ाइन इसका दे सकते हैं, और घर के दोनों तरफ आप जाएँ तो दोनों तरफ आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे आएँ तो यहाँ पे हमें ड्राइंग रूम एरिया मिलता है। ये सामने इसका ड्राइंग रूम एरिया दे सकते हैं, फुली फर्निश्ड, जैसा कि मैंने घर बताया। यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम में तमाम चीज़ें मिलेंगी जो कि ड्राइंग रूम के लिए ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे आप इसका जो है वो सोफ़ा सेट दे सकते हैं, विंडो के सामने कर्टन दे सकते हैं, कारपेट यहाँ पे जो है फ्लोर कारपेट आपको मिल जाती है, एसी इंस्टॉल मिल जाता है। और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन में आप दे सकते हैं, वाइट थीम में सीलिंग डिज़ाइन है, सीलिंग फैन और शैंडलियर भी इंस्टॉल मिल जाते हैं। सामने आप बहुत ही खूबसूरत जो है वो टाइल का काम दे सकते हैं। ड्राइंग रूम के साथ ही इसका जो है वो डाइनिंग एरिया दिया गया है, डाइनिंग टेबल आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे भी एक डार्क थीम में बड़ा ही खूबसूरत जो है वो कम्बिनेशन के साथ इस डाइनिंग रूम को डिज़ाइन किया गया है। ये फुल व्यू ड्राइंग और डाइनिंग का। यहाँ पे इसकी वुडन की टेक्सचर में फ्लोरिंग दे सकते हैं और सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे आपको शैंडलियर इंस्टॉल मिलेगा। और ये था इस डाइनिंग का फुल व्यू। दोबारा हम स्ट्रेट लॉबी की तरफ जाते हैं और यहीं से अगर हम दूसरी तरफ जाएं, राइट साइड पे मेन सेंटर होते ही, तो यहाँ पे हमें जो है वो इसका लिविंग एरिया मिल जाता है। लिविंग एरिया आप इसका चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जो है वो फुली फर्निश्ड देखेंगे। सेटिंग प्लान बड़ा ही खूबसूरती से यहाँ पे अरेंज किया गया है और कलर कम्बिनेशन यहाँ पे दोबारा डार्क थीम यूज़ की गई है, जो कि एक बहुत ही उम्दा लुक यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। ये फुल व्यू इस लिविंग एरिए का, फ्लोरिंग और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शैंडलियर इंस्टॉल किया गया और ब्लैक कलर में सीलिंग फैन इंस्टॉल किए गए, विंडो के सामने कर्टन मिल जाते हैं, फ्लोर कारपेट दी गया, फ्लोरिंग बड़ी ही खूबसूरत इसकी की गई थी। लिविंग के बिल्कुल सामने आप जाएं तो यहाँ पे आपको किचन मिलता है। किचन में तमाम एसेसरी जो कि किचन में होनी चाहिए वो तमाम यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसका वर्किंग किचन बिल्कुल सेपरेटली इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे। तो ये फुल व्यू इस किचन एरिया का। इसके बाद चलते हैं इनके बेडरूम की तरफ। यहाँ पे जो बेड की थीम है वो आप देख सकते हैं, जो फीचर वॉल है वो ब्लैक कलर में डिज़ाइन किया गया, विंडो और जो इसकी बेड की थीम है वो बिल्कुल सेम रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीनिश किस्म की जो है वो इस पर थीम दी गई है बेड और इसके वॉल, इसके कर्टन्स पे फ्लोरिंग आप इसकी देख सकते हैं। और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन भी बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर दिया गया, इसी यहाँ पर इंस्टॉल मिल जाता है आपको। ड्रेसिंग सामने देख सकते हैं और इसी तरह सेटिंग प्लान बड़ा खूबसूरती से अरेंज किया गया। इसके साथ ही इसका अटैच वॉशरूम आता है, जिसमें एंटर होते ही सामने आपको लेफ्ट साइड पे जकूजी नज़र आ रही है। वार्डरोब जो है वो बेडरूम के अंदर ही इंस्टॉल की गई है। जकूजी के बिल्कुल सामने इसका वैनिटी एरिया, वैनिटी एरिया के साथ सामने ब्लैकिश थीम में कंसील्ड कमोड है और लास्ट पे इसका शॉवर कैबिन बनाया गया है।
चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट वाइट थीम में जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया, और ये भी बड़ी खूबसूरती से इस पूरे बेडरूम को डिज़ाइन किया गया। सामने आप एसी इंस्टॉल दे सकते हैं, फ्यूचर वॉल दे सकते हैं, फ्यूचर वॉल पे सीनरीज इंस्टॉल की गई हैं, बेड डिज़ाइन दे सकते हैं, फ्लोर कारपेट यहाँ पर दी गई है, और इसका ये अटैच वाशरूम है जिसमें एंटर होती है। राइट साइड पर इसका वैनिटी एरिया है, वैनिटी एरिया के बिल्कुल साथ इसका शॉवर कैबिन है, और यहाँ पर कंसील कमोड भी आपको मिल जाता है। वैनिटी डिज़ाइन आप इसका दे सकते हैं, वैनिटी के ऊपर जो है वो स्केयर में वैनिटी मिरर इंस्टॉल किया गया। इसी तरह वाइट थीम इसका सीलिंग डिज़ाइन है, शॉवर कैबिन यहाँ पे मिल जाता है, और इसी तरह कंसील्ड कमोड भी इंस्टॉल किया गया। ये था जिस ग्राउंड फ्लोर का फुल विजिट, जिसमें मैंने आपके साथ दो बेडरूम, लिविंग, किचन, ड्राइंग शेयर किया। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, उसका प्लान आपके साथ शेयर करते हैं। चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और उसका प्लान आपके साथ डिटेल में शेयर करते हैं। स्टेयर डिज़ाइन मैंने आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर किया, अब डिटेल के साथ स्टेयर डिज़ाइन आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे आप शैंडलियर देख सकते हैं। राइट साइड पे आप जो है वो इसकी वॉल देख सकते हैं, रेलिंग जो है वो ग्लास में टोटली इंस्टॉल किए गए हैं, फुट स्टेप इसके देख सकते हैं, और इन्हीं स्टेयर्स को यूज़ करते हुए हम जाएंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये आगे हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आते ही टू जो है वो पोर्शन पे इसको डिवाइड कर दिया गया, तो स्टेयर्स जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिल जाता है, और लेफ्ट साइड पे सामने जाएं तो तमाम जो चीज़ें फर्स्ट फ्लोर की दूसरी आती हैं, लिविंग, ड्राइंग, किचन, वो लिविंग, किचन और दूसरे बेडरूम बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें एक बेडरूम मिलता है, ये फुल व्यू इस बेड का बड़ा ही खूबसूरत, यहाँ पे भी इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया और इसके साथ ही इसका जो है वह सिटिंग एरिया सेपरेटली बनाया गया, जहाँ पे एलईडी पॉइंट आपको मिल जाता है, सेटिंग प्लान मिल जाता है, विंडो के सामने कर्टन, शैंडलियर, और ये बेड की जो है वो स्पेस अलहदा दी गई है। सीलिंग डिज़ाइन की बात की जाए तो यहाँ पे वाइट थीम इसका सीलिंग डिज़ाइन दिया गया है, और ये फुल व्यू इस पूरे बेडरूम डिज़ाइन का। चलते हैं इसके अटैच वाशरूम की तरफ। यहाँ पे एंटर होते ही राइट साइड पे आपको वैनिटी एरिया मिलता है, लेफ्ट साइड पे कंसील्ड कमोड इसका इंस्टॉल किया गया है, सामने इसका जो है वो जकूजी एरिया मिल जाता है। डबल वैनिटी यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिल जाती है, कंसील्ड कमोड इंस्टॉल मिलता है, शावर कैबिन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, सीलिंग डिजाइन इसका। और ये जकूजी एरिया इसका, ये था जी इस पूरे बेडरूम और उसके अटैच वाशरूम का विजिट। चलते हैं घर के जो, जैसा कि मैंने बताया कि टू जो है वो पोर्शन पे फर्स्ट फ्लोर को डिवाइड किया गया, जिसमें एक पोर्शन में यहाँ पे आपको एंटर होते ही बेडरूम मिल जाता है, तो स्टेयर की दूसरी तरफ जाएं, इस स्टेयर से उतर के हम दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो दूसरी चीज़ें मिलती हैं। एंटर होते ही यहाँ पे सबसे पहले हमें बड़ा ही खूबसूरत जो है वो लिविंग एरिया मिल जाता है इसका, और लिविंग में ही इसका स्मॉल स्पेस में ओपन किचन भी आपको मिल जाता है। ये फुल व्यू इस लिविंग एरिया का, यहाँ पे आप इसका जो है वो दे सकते हैं, जो सेटिंग प्लान दिया गया है इसके साथ ही विंडो के सामने कर्टन इंस्टॉल किया गया, ये फुल व्यू इस लिविंग एरिया का। फ्लोरिंग और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन, जिसमें यहाँ पे भी आपको शैंडलियर इंस्टॉल मिल जाता है। ये है जी इसका बेडरूम, ये फुल व्यू इस बेड का। फ्लोरिंग आप इसकी देख सकते हैं, बेड के बैक साइड पे फ्यूचर वॉल इसकी इंस्टॉल की गई है, विंडो के सामने कर्टन्स हैं, फ्लोरिंग और इसी तरह सीलिंग डिजाइन आप इस बेडरूम का देख सकते हैं। एंटर होते ही यहाँ पे हमें आपके साथ जो है वो अटैच वाशरूम शेयर कर रहा हूँ, अमेनिटी एरिया देख सकते हैं आप इसका।
और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन, शॉवर कबन, तमाम चीज़ें आपको इंस्टॉल मिल जाती हैं। इस घर की डिमांड की बात की जाए तो 16 करोड़ इस घर की डिमांड है। अगर आपको भी अपने घर का प्लान, इंटीरियर या कंस्ट्रक्शन करवानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस घर का विजिट करना है तो किसी भी टाइम दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस घर का विजिट कर सकते हैं। टोटल 5 बेडरूम का ये घर था। आई होप आप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक इसी तरह पहुँचती रहें।